बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। पार्टी मुख्यालय में चुनाव प्रक्रिया के तहत नड्डा ने नामांकन दाखिल किया था। दूसरा कोई पर्चा दाखिल नहीं होने की स्थिति में आम सहमति से नड्डा को अध्यक्ष चुना गया। पदभार संभालने के बाद अमित शाह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव से दूर रहने के लिए टिप्स दिए। वो परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम में देश भर के छात्रों से रूबरू हुए। मोदी का परीक्षा पे चर्चा का ये तीसरा टाउन हॉल कार्यक्रम रहा, जिसमें विभिन्न वर्गों के छात्रों और शिक्षकों को परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव से निपटने के टिप्स दिए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोड शो करने के बाद नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करने की खबरें थी, लेकिन वो आज अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कानपुर दौरे पर रहेंगे। कानपुर में नितिन गडकरी बीजेपी के सीएए पर जनजागरण अभियान के तहत रैली करेंगे। नागरिक संशोधन कानून को लेकर वो जनजागरण रैली करेंगे। रैली में सीएए के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। निर्भया केस में दोषी पवन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वारदात के वक्त नाबालिग होने की अपील की गई थी, साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राम मंदिर निर्माण को लेकर विप केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की आज बैठक होगी। देश भर से 300 से ज्यादा साधु संत बैठक में शामिल हो रहे हैं। मंथन में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद भी मौजूद रहेंगे। वहीं पहली बैठक सुबह 10 बजे से 1 बजे तक शुरू हुई और दूसरी बैठक का समय 3 बजे से 6 बजे तक होगा। मुगलसराय रेल मंडल को अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्रालय ने 15 जनवरी को अधिसूचना जारी कर मंडल का नाम बदलने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही मुगलसराय मंडल कार्यालय सहित सभी कार्यालयों के नाम बदलने की घोषणा भी की गई। इसके पहले 5 अगस्त 2018 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। अमरोहा के मुखदुमपुर गांव में नौगांव सादात विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने बैठक ली और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानपुर रेप पीड़िता की मां की हत्या करने वाले आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को साई मंदिर मामले में हस्तक्षेप कर विवाद का निपटारा करने की मांग की है। फिरोजाबाद के थाना टुंडला इलाके में थाने के सामने 74 साल के बुजुर्ग चिंतामणि जैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चिंतामणि का शव उनके ही घर में खून से लथपथ मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने फिलहाल अभी मौके से साक्ष्य इकट्ठे कर अपनी जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कह रही है। हमीरपुर में मामूली विवाद में गोली चलने से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक किसी बात को लेकर बच्चों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें घर के बड़े लोग भी कूद पड़े। इस लड़ाई में एक पक्ष के लोग असलाह और कुल्हाड़ी लिए हुए थे, जिन्होंने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करते हुए हमला बोला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हरदोई सदर विधायक नितिन अग्रवाल अपने पिता नरेश अग्रवाल के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और वो लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों में मौजूद दिखाई देते हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने 11 नवंबर को दल बदल अधिनियम के तहत विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका प्रस्तुत की थी। वहीं हरदोई के सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा नितिन अग्रवाल से विधायक पद से इस्तीफा देकर दोबारा उपचुनाव में आकर जनता का सामना करने की चुनौती दी है। आप अक्सर शादी में समारोह में बैंड बाजा बारात देखते होंगे। अगर हम आपको कहें कि शादी की खुशियां अचानक गम में बदल गई तो आप यकीन नहीं करेंगे। जो आपको बता दें कि मामला झांसी के मऊ रानीपुर का है, जहां एक शादी के दौरान मामूली बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठीचार्ज चले। मारपीट की घटना पूरी ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
मुरादाबाद के मंझौला थाना क्षेत्र के मानसरोवर पैराडाइज होटल के पास टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकराकर अचानक पलट गई। चालक नशे में धुत था, इस दौरान राहगीर भी बाल बाल बच गए। दरअसल बस लाइन पार्क की तरफ से मानसरोवर पैराडाइज होती हुई रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी कि इसी दौरान नशे में धुत चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और बस डिवाइडर से जा टकराई। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए बस को सीज कर दिया है। अम्बेडकर नगर में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अम्बेडकर नगर के किछौचा दरगाह का रहने वाला था। बीती रात में घर के अंदर ही ईंटों से ऊंचा हुआ शव मिला। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली में एक बार फिर से आग की घटना सामने आई है। दिल्ली परिवहन विभाग के कार्यालय में भीषण आग लग गई। सिविल लाइन स्थित कार्यालय में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की करीब 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। हालांकि अब तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यूपी एटीएस और मिलिट्री अधिसूचना इकाई के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एटीएस ने वाराणसी से आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर के सीधे संपर्क में था और आईएसआई को सैन्य ठिकानों की फोटो खींचकर भेजा रहा था। गिरफ्तार एजेंट राशिद अहमद चंदौली के मुगलसराय का रहने वाला है। एटीएस ने इंटेलिजेंस के इनपुट पर एजेंट को गिरफ्तार किया। राशिद अहमद 2 बार पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी ले चुका है, साथ ही सेना के साथ सीआरपीएफ के ठिकानों की रेखी भी कर चुका था। बदायूं के इस्लाम नगर इलाके में सरकार स्मार्ट पुलिस स्टेशन बना रही है। इस पुलिस स्टेशन में आधुनिक पुलिसिंग की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। वहीं स्टेशन निर्माण करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि 1 महीने में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। दरअसल प्रदेश के 3 थाना जिसमें लखनऊ, मिर्जापुर और बदायूं हैं, उन तीनों को आधुनिक थाना बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें पुलिस की जरूरत के संबंधित सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर लखनऊ के घंटाघर पर महिलाओं ने सीए के खिलाफ शुक्रवार को शुरू हुआ धरना आज भी जारी है। जाड़े की सर्द रातों में महिलाएं खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठी हैं। लखनऊ के तारीखी घंटाघर पर औरतों का हुजूम दिखाई दे रहा है। दरअसल शुक्रवार को दोपहर में चंद औरतें हाथ में तख्तियां लेकर घंटाघर पर बैठ गई थी। उन्हें देखकर और महिलाएं आती गई और भीड़ जुटती गई। महिलाओं का धरना प्रदर्शन आज 4थे दिन भी जारी है। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में ट्रक पलटने से हाईवे पर जाम लग गया। गन्ने से लदा ट्रक हाईवे के बीचों बीच पलटने से हाईवे ब्लॉक हो गया, जिसके बाद दोनों साइड लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लगभग 3 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। प्रगतिशील जनमंच के बैनर तले श्रीनगर में राज्य आंदोलनकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में यह फैसला लिया गया कि श्रीयंत्र टापू कांड में शहीद हुए शहीदों के स्मारक अब जनता खुद अपने प्रयासों से बनाएगी। आपको बता दें कि श्रीनगर की जनता लंबे समय से श्रीयंत्र टापू को शहीद स्थल में विकसित करने की मांग कर रही थी, लेकिन उनकी इस मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके बाद अब जनता खुद यहां स्मारक बनाने की तैयारी कर रही है। देहरादून में 2 दिन की आईएस वीक की शुरुआत की गई, जिसमें 8 सेशन के माध्यम से प्रदेश के विकास पर मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आईएएस अफसरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आईएएस और सीडीओ की है। उधम सिंह नगर जिले से प्रदेश मुख्यालय भेजे गए एक गोपनीय पत्र ने हड़कंप मचा दिया है, जिसमें जिला उधम सिंह नगर पुलिस में तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर ट्रांसफर के एवज में अवैध वसूली का आरोप लगा है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में तैनात 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिले के ही एक व्यक्ति द्वारा गोपनीय पत्र के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि एसएसपी के पीआरओ और स्टेनो ने मिलकर ट्रांसफर के नाम पर खूब पैसा कमा रहे हैं। अब पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामले में पुलिस मुख्यालय की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। मसूरी में निवास कर रहे मजदूरों ने आईडीएच के समीप मजदूरों के लिए बन रही निर्माणाधीन बिल्डिंग को लेकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष से चर्चा की और उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया। मजदूरों ने बताया कि निर्माण एजेंसी द्वारा 40 कमरे तैयार किए जाने थे, लेकिन आज तक केवल 24 कमरे ही तैयार हो पाए हैं। उनमें से भी अधिकांश में बाहरी लोगों द्वारा कब्जा किया गया है।
साथ ही उन्होंने बताया कि पालिका द्वारा बिल्डिंग के समीप ही कूड़ा डंपिंग जोन बना दिया गया, जिस वजह से बिल्डिंग में रहना मुश्किल हो गया है। उन्नाव में एक लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने लड़की के पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों में अजगैन मोहन मार्ग पर जमकर हंगामा किया। साथ ही लोगों ने पीड़ित परिवार को प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। यूपी के हापुड़ में पिलखुआ नगर पालिका में दो सरकारी कर्मचारियों ने दो युवकों की फर्जी हाजिरी का रजिस्टर बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने पुख्ता सबूत न दिखाए जाने के चलते याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने दोनों युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए और दोनों कर्मचारियों से पूछताछ की। बुलंदशहर में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने जब सड़क के किनारे युवक का जला हुआ शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिससे घटनास्थल से खाली कारतूस भी मिले हैं, जिससे हत्या के बाद जलाने की आशंका लगाई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बाराबंकी में बीते दिनों शौचालय में रसोई घर बनाने का मामला सामने आने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मीडिया में खबर आते ही आनंद फानंद में जिला आलाधिकारी ग्रामीण के घर पहुंच गए। मामले में ग्रामीण राम प्रकाश ने कहा है कि अधिकारी मेरे पास आए और जेल में बंद करने की धमकी देने लगे। उन्होंने सादे कागज पर भी साइन कराया है, जिसके बाद से उसका पूरा परिवार काफी डरा हुआ है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में अभी तक 3 प्रस्ताव रखे गए हैं। इसके साथ ही अयोध्या में विप के मंडल की तर्ज पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मॉडल रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए CAA कानून का भी प्रस्ताव लाकर मंथन किया गया, समर्थन किया गया है। बैठक में लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से पीड़ित लोगों को भारत में नागरिकता देने का स्वागत है। हमीरपुर के राठ इलाके में एक सभासद ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि इलाके के ही वार्ड में रहने वाले खालिफ के घर में घुसकर सभासद ने फायरिंग की है। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को मौके से कई गोली के खोखे भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच में जुट गई है। आगरा के थानाबाद क्षेत्र में एक किसान को गोली मारकर जान से मारने की घटना सामने आई है। किसान रात को अपने खेत पर सो रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जब तक पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC बाह में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर न मिलने से घायल रात भर तड़पता रहा। बाद में घायल को आगरा रेफर कर दिया गया। घायल ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रुड़की में कई दिनों से किन्नरों के बीच चल रहा आ रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामला मारपीट से लेकर अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। दरअसल किन्नरों में बधाई के क्षेत्र को लेकर दो पक्षों में पहले तो जमकर मारपिटाई हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग में चालान कर दिया। लेकिन इस बार सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे दो किन्नरों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ किन्नरों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। सरोवर नगरी नैनीताल के रामगढ़ मुक्तेश्वर धानाचुली से लगे क्षेत्र में इस बार जमकर बर्फबारी हुई है। ये बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में होने वाले फलों और सब्जियों के लिए वरदान साबित हो रही है। सेब की खेती के लिए बर्फबारी फायदेमंद मानी जा रही है, जिससे काश्तकारों के चेहरे खिले हुए हैं। काश्तकारों की माने तो इस बार हुई बर्फबारी से सेब के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी और बारिश ने भले ही स्थानीय लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया हो, लेकिन सेब और नकदी फसलों के लिए ये संजीवनी साबित हो रही है। सितारगंज सब रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी स्टाम्प लगाकर दो रजिस्ट्रियां कराने के मामले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सब रजिस्ट्रार सितारगंज अंबिका प्रसाद त्रिपाठी ने
बीते 26 दिसंबर को फर्जी स्टाम्प के आधार पर रजिस्ट्री कराए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों आरोपी खतीवा के रहने वाले हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज रही है। उत्तराखंड में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां अभी सड़कें नहीं हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला सामने आया है पिथौरागढ़ जिले से, जहां सड़क न होने की वजह से महिला को कड़ाके की ठंड में खेत के बीच में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। मुंसियारी तहसील के मालूपाती गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। पैदल चलने की स्थिति न होने पर गांव के लोग गर्भवती महिला को डोली में बिठाकर अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही महिला को तेज दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद बीच रास्ते में डोली को रोककर खेत में -3 डिग्री तापमान में महिला ने नवजात को जन्म दिया। बेंगलुरु वनडे में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत का सीरीज पर 2-1 से कब्जा हो गया। हेडमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने 119 और विराट कोहली ने 89 रन बनाए। रविवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मिली इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने अपनी मेजबानी में 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए निर्णायक मैच में 9000 रन पूरे कर लिए हैं। रोहित शर्मा ने 217 वनडे पारियों में ये कीर्तिमान रचा। रोहित ने इसी के साथ ही सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। मां बनने के बाद पहली बार टूर्नामेंट में खेल रही टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने WTA सर्किट में शानदार वापसी की है। उन्होंने हॉबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपना पहला युगल खिताब जीता है। 2 साल बाद कोर्ट पर वापसी कर रही पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी सानिया और नादिया किचेनोक ने दूसरी सीड चीनी जोड़ी पेंग शुआई और झांग शुआई को 6-4, 6-4 से हराकर खिताब जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के अपने दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा दिया। भारत ने कलिंगा स्टेडियम में खेले गए प्रो लीग के अपने दूसरे मैच में नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में हराया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम के 2 मैचों में 6 अंक हो गए हैं और वो अंक तालिका में शीर्ष पर है। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स का मालिकाना हक रखने वाली इंडिया सीमेंट्स के प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष एन श्रीवास्तव ने साफ कर दिया है कि IPL के 2021 सीजन के लिए अपने कप्तान MS धोनी को रिटेन करेगा। धोनी इस साल होने वाले IPL में खेलेंगे और चेन्नई टीम की कप्तानी भी करेंगे। वो 2021 में भी IPL में चेन्नई की कप्तानी करते नजर आएंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 31 जनवरी से 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। UFBU नो ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व करता है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने 11 मार्च से 3 दिन की हड़ताल की घोषणा की है। यूनियंस ने कहा है कि अगर हड़ताल के बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो 1 अप्रैल से बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पेट्रोल और डीजल के सेल्स के मामले में दोहरे अंक में बढ़ोतरी हासिल की है। इस तरह उसने इस मामले में पूरी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी की जानकारी के मुताबिक दिसंबर तिमाही में कंपनी के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डीजल की बिक्री में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी के दौर से गुजरा और उसका सीधा असर ऑटो पार्ट्स उद्योग पर देखने को मिला। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से देश में ऑटो पार्ट उद्योग पटरी से उतर गया है। घरेलू बाजार की सुस्त रफ्तार, विभिन्न देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ऑटो पार्ट्स का सस्ता आयात, बाजार में ई वाहनों की आहट से भारत में पिछला वर्ष ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा। भारत में लोगों की संपत्ति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 1% लोगों के पास भारत की 70% आबादी की कुल संपत्ति की 4 गुना के बराबर पैसा है। वहीं देश के 63 अमीरों के पास बजट से भी ज्यादा पैसा है। आपको बता दें कि साल 2018-19 में देश का बजट 24,42,200 करोड़ रुपए था।
अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल की फिल्म तानाजी सिनेमाघरों में दमदार कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज की 9वें दिन पहले दिन से भी ज्यादा की कमाई कर डाली है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 118.91 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। अब फिल्म 150 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। फिल्म में अजय के किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया। इतना ही नहीं, फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के सालाना जलसे उमंग में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। उमंग 2020 के कार्यक्रम में प्रियंका चोपड़ा, उर्वशी रौतेला, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सारा अली खान जैसे कई सितारे शामिल हुए। इन तमाम सितारों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम में चार चांद लग गए। सारे सितारे एक से बढ़कर एक आउटफिट में भी नजर आए। शबाना आजमी का एक्सीडेंट होने के बाद फिल्म जगत से कई स्टार्स ने उनके जल्द ठीक हो जाने की कामना की है। इसमें एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने ट्वीट में लिखा है कि शबाना आजमी के एक्सीडेंट की खबर परेशान करने वाली है, मैं उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करती हूं। ये ट्वीट उन्होंने अंग्रेजी में किया था, लेकिन इस ट्वीट के बाद लोगों ने बहुत ही तेजी से उर्वशी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ये तो कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी है। दरअसल उर्वशी ने शबाना आजमी के लिए अपनी संवेदनाएं दिखाने के लिए जो ट्वीट किया, उसके लफ्ज बिल्कुल पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट के जैसे ही थे। दीपिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स और मेकअप आर्टिस्ट ताबी को उनकी फिल्मों के 3 सबसे पसंदीदा लुक्स को रिक्रिएट करने की चुनौती देती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में दीपिका कहती है कि फिल्म ओम शांति ओम, पीकू और हालिया रिलीज छपाक के लुक्स उनके फेवरेट है। छपाक के लुक के लिए दीपिका का टिकटॉक चैलेंज लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जिस वजह से दीपिका ट्रोल हो गई है। अजय देवगन इस समय अपनी हालिया फिल्म रिलीज हुई तानाजी की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं उनकी अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान को लेकर नया अपडेट सामने आया है। इस फिल्म में अब अजय देवगन के अपोजिट साउथ फिल्म इंडस्ट्री की नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस प्रिया मणि नजर आएंगी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से एक बड़ी हिट की तलाश में हैं। किंग खान की पिछली फिल्म कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, मगर शाहरुख एक बार फिर से अपने कमबैक को लेकर चर्चा में हैं। शाहरुख राजकुमार हिरानी की फिल्म का हिस्सा होंगे और फिल्म में उनके अपोजिट करीना कपूर खान नजर आएंगी।